संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर लोकतंत्र के नए मंदिर में सुरक्षा की बड़ी चूक का मामला सामने आया है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा में कूद गए। ये दोनों शख्स एक बेंच से दूसरे बेंच पर भागने लगे। तभी एक शख्स ने जूते से निकालकर पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी। इस दौरान संसद में अफरा तफरी भी मच गई। सांसद यहाँ वहाँ भागने लगे। हालांकि कुछ सांसदों ने इन्हें पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आज इस वीडियो में बात करेंगे नए संसद भवन की, कि जहां सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई आखिर उसकी खासियत क्या है। त्रिकोणीय आकार का नया संसद भवन करीब 29 महीने बनकर तैयार हुआ, जिसे बनाने में देश भर के करीब 60,000 मजदूर और इंजीनियरों ने योगदान दिया। साल 2019 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और इसी साल 29 मई को इसका उद्घाटन हुआ। नए संसद भवन को ग्रीन कंस्ट्रक्शन टेक्निक से बनाया गया है। दावा है कि ये बिल्डिंग अगले 150 साल तक चलेगी। इसके निर्माण में करीब 973 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नई बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में बनी है। नया भवन पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। इस पर भूकंप का असर नहीं होगा। भवन की नई लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 ज्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था है, जबकि नई राज्यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोग बैठ सकेंगे। लोकसभा में इतनी जगह है कि दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन के वक्त लोकसभा में 1272 से ज्यादा सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। संसद के हर अहम कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिस है। ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए भी हाईटेक ऑफिस की सुविधा है। कैफे और डाइनिंग एरिया भी हाईटेक है। कमेटी मीटिंग के अलग अलग कमरों में हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं। कॉमन रूम्स, महिलाओं के लिए लाउंज और वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था है। लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर के तर्ज पर रखी गई है। ये हॉल हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस है। हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी है। वहीं राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल की तरह डिजाइन की गई है। लोकतंत्र के नए मंदिर में देश के हर हिस्से की छटा देखने को मिलती है। संसद भवन को सुंदर बनाने के लिए उसमें हर राज्य का कुछ न कुछ योगदान है। हरियाणा की रेत, त्रिपुरा के बांस का इस्तेमाल किया गया है। मशीन से तैयार सीमेंट की ईंटें उत्तर प्रदेश में बनी है। परिसर में लकड़ियों के इस्तेमाल पर की गई नक्काशी नोएडा में हुई है। संसद भवन में राजस्थान के लाल, हरे और सफेद पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, जबकि संसद भवन की खूबसूरती में चार चांद लगा रही लकड़ियां महाराष्ट्र की हैं। लोकसभा और राज्यसभा की छत में लगी फॉल सीलिंग के लिए स्टील दमन दीव से आया है। दोनों सदनों की दीवारों पर लगा विशाल अशोक चक्र का चिन्ह और संसद की बाहरी दीवारों पर बनी कलाकृतियां मध्य प्रदेश में डिजाइन की गई हैं। बता दें कि संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज्ड हो चुकी थी और खराब हो रही थी। इसके अलावा लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन पर जो सीटें बढ़ेंगी उनके सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग में पर्याप्त जगह नहीं थी, इसी वजह से संसद की नई बिल्डिंग बनानी पड़ी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज़18 हिंदी पॉलिटिक्स के साथ।